राधे कृष्ण दोस्तों, कईयों की ऐसी धारणा है कि क्या बिना मन लगे नाम जप का लाभ हो सकता है क्या, क्योंकि मन निरंतर जप में नहीं लगता। मित्रों, ये सत्य की बात है क्योंकि हम साधक है, कोई साधु नहीं। तो ऐसी स्थिति में मन संसार विषय भोगों में लगता ही है और मुख में नाम चल रहा है, तो क्या इससे लाभ मिलेंगे क्या, या इससे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी क्या, या क्या नाम जप से हमारा भरण पोषण होगा क्या, क्योंकि मन तो संसार में घूमता है जप के समय। तो ऐसे में क्या ये सारी चीजें मिलेंगी क्या? तो मित्रों, आपको बता दूं, आप ये संशय ही मत कीजिए कि लाभ मिलेगा या नहीं, प्रभाव पड़ेगा या नहीं। मन कहीं पे भी हो, पर यदि मुख में नाम हो तो सारे काम बनने हैं, सारे लाभ मिलने हैं, सारे प्रभाव पड़ने हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। नाम बहुत सामर्थ्यशाली है, प्रभु से भी बड़ा प्रभु का नाम है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि उस नाम से ही हम प्रभु को पा सकते हैं। बिना नाम के हम प्रभु को नहीं पा सकते, ये महापुरुषों तथा संतों की सत्यवाणी है तथा ये परम सत्य की बात है कि नाम बहुत शक्तिशाली शस्त्र है। इस शक्तिशाली शस्त्र से ही बड़े बड़े शत्रु परास्त होते हैं। केवल नाम इस ब्रह्मास्त्र से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पूर्णता नष्ट होते हैं। केवल निरंतर नाम से भगवत प्राप्ति होती है, इतना सामर्थ्यशाली नाम है। आप किंचन मात्र भी संशय मत कीजिए, मन कहीं पे भी हो, पर नित्य नाम जप है तो प्रभाव लाभ तो दूर की बात, वो भगवत प्राप्ति हो सकता है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, मंत्र है, उसे आप श्रद्धा पूर्वक निरंतर रटो, इससे बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। यदि आपकी श्रद्धा नहीं भी बन रही, भाव नहीं भी बन रहा, तब भी आप जपिए, आपको दीर्घकाल तक जपने पर प्रभाव दिखाई देने लगेगा। जैसे कोई कहता है कि हमारा भाव नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, हमारा मन नहीं लगता, तो नाम जप से क्या हमारा काम बनेगा क्या? विश्वास करो, पूरा का पूरा काम बन जाएगा। जो अन्य बड़े बड़े साधनों से, यज्ञ से काम नहीं बनता, वो नाम जप से बनेगा। जैसे हम भाव करें या ना करें, श्रद्धा करें या ना करें, नाम जप करें तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि उसकी अपनी ही अलग महिमा है। जैसे आप अश्रद्धा से अमृत पी ले तो आप पे उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो अमृत है। और श्रद्धा पूर्वक और गलती से विष भी पी ले तो उसका प्रभाव दिखाएगा। ठीक ऐसे ही नाम काम करता है। आप श्रद्धा से रटो तो अति श्रेष्ठ, परंतु अश्रद्धा से रटो तब भी नाम उसका अपना प्रभाव दिखा के ही रहता है। जब इस प्राकृतिक संसार में जो भागवतिक प्रभाव, भागवतिक शक्ति है, वो दिखा के ही रहती है, इसको आपके भाव की अपेक्षा नहीं रहती। मित्रों, गौर से सुनिए, प्रभु रिश्ते हैं भाव से और भाव आते हैं नाम जप से, परंतु नाम जप को आपके किसी भी भाव की अपेक्षा नहीं है। अर्थात मन लगे या ना लगे, बस रटो, रटोगे तभी उसके प्रभाव से मन लगने लगेगा। नाम को महापुरुषों ने महामहिमामय घोषित किया है। कहो कहा लगे नाम बड़ाई, राम ही सतई नाम गुनगाई। नामी भी नाम का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए इस नाम के प्रति संशय मत कीजिए मित्रों, कि क्या नाम से घर चलेगा, नाम से काम बनेंगे। तो बिल्कुल बिना किसी दलाली के नाम आपके सारे काम बनाता है और आपका घर भी चलाता है। दृढ़ विश्वास रखिए, यदि विश्वास है तो पत्थर भी भगवान के समान है, परंतु यदि विश्वास नहीं है तो साक्षात भगवान भी पत्थर के समान है। इसलिए दृढ़ विश्वास अनिवार्य है। आप मन लगाओ ना लगाओ, नाम अपना प्रभाव करेगा ही करेगा। जो महामहिमामय प्रभाव है वो नाम से आ ही जाएगा। नाम की एक अपनी ही दिव्य विराट शक्ति है, इसलिए रटो, सब काम बनने हैं। मन लगे या ना लगे, बस राधा नाम निरंतर मुख में रटने लगो। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।